हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डीएस गुरुजी। कुछ दिनों पहले कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया था, उसका एनालिसिस हमने किया था रोजगार की दृष्टि से कि कितने कितने रोजगार का वादा किया जा रहा है, रियलिटी क्या है। उसमें आप सबको ये पता होगा कि 22 लाख रोजगार मार्च 2020 तक बताए गए थे, और जब रियलिटी थी तो वो घोषणा पत्र में बात ये थी कि 4 लाख रोजगार ही देने थे मार्च तक। तो उसके बाद में तमाम बातें थी कि राज्य सरकारों को मनाया जाएगा, ये वाला सारी बातें चल रही थी। तो उस समय पर कई सारे स्टूडेंटों ने ये कहा था, कई सारे लोगों ने ये कहा था कि सर, क्या आप जो बीजेपी का मैनिफेस्टो आएगा उसका भी इसी प्रकार से एनालिसिस करके बताएंगे, क्या दम है? तो दोस्तों, ये आ गया है मैनिफेस्टो बीजेपी का, हमारे पास में है। और यहाँ पर हम किसी, पहले बात बता देता हूँ, किसी सरकार के समर्थन में या विरोध में ये नहीं है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के समर्थन में या विरोध में नहीं है। जिस प्रकार पहले हमने किया था उसी प्रकार इस बारे में हम कर रहे हैं, और बात सिर्फ और जितने मुद्दे हैं उसका एनालिसिस और करेंगे जो उनके बारे में जानते हैं। यहाँ पर बात मैं सिर्फ रोजगार की करूँगा क्योंकि इसी के बारे में काम करते हैं और इसके बारे में थोड़ा बहुत पता भी है। तो रोजगार की दृष्टि से क्या क्या चीज़ें हैं जो इस संकल्प पत्र में है, फोटो आप देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं जो PR के लिए लोग करते हैं। देखो, 10वें नंबर पर इन्होंने लिखा है, एक तो सबसे बड़ी बात, विचित्र बात यह है, कहीं कोई बात डायरेक्टली नहीं लिखी हुई है। यह बहुत बड़ी विचित्र बात है कि रोजगार को लेकर के इस घोषणा पत्र में कहीं भी कोई बात नहीं लिखी हुई है डायरेक्टली, भाई हम इतना रोजगार देंगे, इस क्षेत्र में देंगे, ऐसे ऐसे देंगे, मतलब गवर्नमेंट नौकरियों की मैं अभी बात कर रहा हूँ, ठीक है। इस प्रकार की गवर्नमेंट नौकरी वाली बात जो कि हर बार होती है संकल्प पत्र, घोषणा पत्र, जो भी आप कहें, मैनिफेस्टो कहें, ऐसा कुछ भी यहाँ पर इस मैनिफेस्टो में नहीं है इस पॉलिटिकल पार्टी के। दूसरी बात यह है, तीन चीज़ें बताई गई हैं उन्होंने पॉइंट नंबर 10 में, युवा भारत का भविष्य, और हकीकत में उसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड कर दी, उसमें स्पोर्ट्स भी लगा दिया इन्होंने, और बहुत सारी चीज़ें हैं, रोजगार के अवसर, शासन में युवा और खेल। अब यहाँ पर आप अगर 32 नंबर पेज पर आएंगे तो पूरा डिटेलिंग है। इस पूरी डिटेलिंग को अगर आप देखते हैं तो जिस प्रकार से कांग्रेस मैनिफेस्टो में आपने देखा होगा 4 लाख रोजगार की बात तो एक कही थी, और उसके बावजूद भी देखा जाए तो बहुत सारी और भी चीज़ें थी जिसमें ये भी कहा था, हालांकि उस टाइम पे बहुत सारे जो कांग्रेसी समर्थक थे वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हुए थे हमसे, क्योंकि सच्चाई किसी को स्वतंत्र आती नहीं है। अभी बीजेपी वाले नाराज़ होने वाले इस वीडियो को देखने के बाद, तो हो लो यहाँ पर तो कुछ बात लिखी नहीं है। रोजगार जो सरकारी नौकरी वाली बात है, कितनी वैकेंसी निकलेगी, कब निकलेगी, कैसे निकलेगी, कुछ भी नहीं लिखा है, देख सकते हैं ऊपर से लेकर के नीचे तक। अब क्या लिखा है वो भी बता देता हूँ। इन्होंने लिखा है कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसके बारे में बात की गई है कि अगर इंडस्ट्रियाँ बनेगी तो रोजगार तो पैदा हो गए। जिस प्रकार अभी भी कहते हैं ना कुछ लोग कि EPFO का डाटा उठा के देख लीजिए, रोजगार तो बढ़ा है। अब EPFO का डाटा कुछ इस प्रकार का होता है कि मैंने कोई प्राइवेट जॉब ज्वाइन करी और उसमें मेरा जो UN कार्ड में आ गया कि मैं एक जॉब प्राप्त कर ली, मैंने, मेरे पास रोजगार है, लेकिन मैं किसी प्राइवेट कंपनी में बहुत घटिया जगह पर बहुत गलत काम कर रहा हूँ, बहुत बड़े दबाव के साथ, जिसको मैं नहीं करना चाहता, लेकिन उसके बावजूद भी EPFO का डाटा क्या शो करता है कि मेरे पास रोजगार है। तो यहाँ पे देखने वाली बात यह है, रोजगार जरूरी नहीं होता है, जरूरी ये होता है कि जो जरूरत है वैसा रोजगार मिले, नहीं तो रोजगार तो पकोड़े तलना भी रोजगार है ही सही, सबको पता है, मिलते हैं पैसे तो आते हैं उससे, लेकिन क्या व्यक्ति उसको करना चाहता है या व्यक्ति उसको मजबूरन कर रहा है, ये फर्क भी करना होता है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर पहली लाइन में लिखा है, न्यू इंडिया के निर्माण के लिए अगली पीढ़ी की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए हमें एक मजबूत आधारशिला की आवश्यकता है। अब ये बात 5 साल बाद कही जा रही है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि अब भी क्यों आवश्यकता है मजबूत आधारशिला की, कर ठीक है। युवाओं के लिए नए अवसर में वृद्धि, तो नए अवसरों में वृद्धि किस प्रकार से करेंगे, इनका कहना ये है, भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने वाले 22 उत्कृष्ट क्षेत्रों में ऐसा चयन किया जाएगा, 22 चैंपियन सेक्टर्स बनाए जाएंगे, उनकी पहचान करके उनके क्षेत्रों में निर्णायक नीतियों के माध्यम से रोजगार के नए अवसरों को पैदा करने के कार्य करेंगे। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उपलब्ध अवसरों को ध्यान में रखते हुए उच्च क्षमता वाले क्षेत्रों जैसे कि रक्षा और फार्मास्यूटिकल में रोजगार सृजन की दिशा में कार्य करेंगे। कहीं स्पष्ट रूप से नहीं लिखा, लेकिन इनका कहना यह है
कि 22 ऐसे उत्कृष्ट क्षेत्रों का एक प्रकार से चयन किया जाएगा या ढूंढे जाएंगे, पहचान की जाएगी उनकी, और उसमें जो सबसे ज़्यादा रोज़गार दे रहे हैं या दिए जा रहे हैं उनको एक प्रकार से बढ़ावा देंगे और नए रोज़गार के अवसर पैदा करेंगे। कैसे करेंगे इसका कोई डेटा नहीं है। जैसे अब कहते हैं ना कि किसानों की आय जो है दोगुनी कर देंगे, कैसे कर देंगे पता नहीं है, लेकिन लिखा है। आगे बात की जाए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उपलब्ध अवसरों को ध्यान में रखते हुए उच्च क्षमता वाले क्षेत्र जैसे कि रक्षा, फार्मास्यूटिकल, इसकी अगर बात की जाए तो देखो रक्षा में बहुत सारा काम ये डिनाई नहीं कर सकते 5 सालों में हुआ है और काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट उसमें हुई है, लेकिन रोज़गार कितना मिला है। अभी आपने देखा होगा DRDO की भर्ती निकली थी जस्ट अभी 3 महीने पहले की बात है, 2-3 महीने की। कितने पद थे इतने भारत के अंदर? लगभग 400 के करीबन पद थे, 400 से भी कमी थे। तो ये देख लीजिए क्या इतने से रोज़गार जनरेट होंगे अगर DRDO से, क्योंकि DRDO रक्षा क्षेत्र में आता है, तो क्या संभव है कि आप सोच सकते हैं कि ये पॉसिबल होगा पूरे देश के लिए। आगे बात करते हैं उद्यमिता। एक तरीके से मैं इस चीज़ से कतई डिनाई नहीं करता हूँ, एक्चुअल प्रोसेस ये भी है कि आप गवर्नमेंट जॉब जो है वो बहुत कम है, देखो सीधी सी बात मैं बताऊँ, लेकिन जो चीज़ होती है वो आपको डिवाइड करनी पड़ेगी प्राइवेटाइजेशन में, बहुत सारे उद्यम में, बहुत सारी चीज़ों में, स्टार्टअप्स में। लेकिन हकीकत ये है 5 साल में बहुत सारी चीज़ें परिवर्तन हुई, बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे गई, लेकिन जो एक्चुअल रोज़गार है उसका ग्राफ अगर आप देखें तो डिक्रीजिंग ही है। भले आप EPFO को डाटा को देखो, क्योंकि EPFO के डाटे को देखकर तो आप सिर्फ ये अनुमान लगाओगे कि हाँ ठीक है रोज़गार मिला है, लेकिन वो व्यक्ति खुश तो नहीं है, है कि नहीं? तो बात यहाँ यही है, क्योंकि प्राइवेट रोज़गार तो भले आपको मिल जाएगा या आप कर भी लेंगे, लेकिन प्राइवेट कंपनियाँ किस प्रकार से एक एम्प्लॉई को यूज करती है एक प्राइवेट एम्प्लॉई ही जानता है, और नहीं जानते हो आप तो जाकर के पूछ लीजिए, बता भी देगा प्राइवेट एम्प्लॉई आपको किस प्रकार से उसका दोहन किया जाता है। तो हकीकत यह है एक संतुलन, या तो फिर आप ऐसा करें कि प्राइवेट जो आप करें ना कि उद्यमिता एवं स्टार्टअप, तो आप ऐसा एक स्कीम ला के रखिए कि हाँ प्राइवेट में जितने भी एम्प्लॉई है इनके लिए ये सुविधा होगी, ये कहीं जाकर के रिपोर्ट कर सकते हैं, इनके साथ कुछ अलग होता है तो ये कुछ बता सकते हैं, लेकिन प्राइवेटाइजेशन में ऐसा कुछ है नहीं और नहीं कोई ऐसी व्यवस्था है। तो या तो आप इसका डाटा दिखा करके जनता को भ्रमित ना करिए, या फिर अगर आप ये डेटा दिखा सकते हैं EPFO की बात करते हैं तो फिर प्राइवेट जॉब को ऐसी बनाए कि गवर्नमेंट जॉब की जरूरत ही ना पड़े, वरना फिर गवर्नमेंट जॉब दें, 3-4 के अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है भारत की जनता का। यहाँ पर दूसरी बातें कही गई है कि युवाओं में उद्यमशीलता की भावना को विकसित करने हेतु निम्नलिखित कदम उठाए जाएंगे, यानी कि युवा उद्योग की तरफ आए, इसके लिए क्या कदम उठाए इन्होंने। हम उद्यमियों के लिए 50 लाख तक के ये लिखा हुआ है, पता नहीं क्या, ऋणमुक्त कर देंगे, और यहाँ पर देखिए नई योजना लाएंगे, पता नहीं क्या क्या सारी चीज़ें इसके अंदर है आप देख सकते हैं। कुल मिलाकर वही सारी बात मुद्रा लोन वगैरह की बात आ जाती है, और 20,000 करोड़ रुपए का सीड स्टार्टअप एंड फंड के जरिए स्टार्टअप को लगातार प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने देते रहेंगे। तो कहने की बात यह है ये जो चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है इससे मैं 100% डिनाई नहीं करता हूँ कि ये कतई वर्क नहीं करेगी, ये चीज़ मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ आपको रोज़गार देगी 100% देगी इसकी कोई भी गारंटी मैं नहीं ले सकता हूँ और नहीं कोई व्यक्ति ले सकता। क्योंकि कारण यह है कि आप किसी को कह रहे हैं कि आप स्टार्टअप लगाएं, बहुत सारी कंडीशंस होती है जिसमें स्टार्टअप लगने के बाद वो चले ये गारंटी नहीं है। स्टार्टअप बहुत सारे स्टार्टअप है जो शुरुआत होने के जस्ट 3 महीने बाद ख़त्म हो जाते हैं, रिपोर्ट पढ़ लीजिए, बहुत सारी चीज़ें नेट पर अवेलेबल है। तो ये कहना कि हम स्टार्टअप देंगे रोज़गार को ख़त्म कर देगा ये पॉसिबिलिटी नहीं है, कहीं भी आप देख सकते हैं रोज़गार के मामले में। और कोई ख़ास बात जो सरकारी नौकरी की अगर बात हम करें तो वो तो कतई लिखी ही नहीं है इस मैनिफेस्टो में। प्रशासन में युवा, ये तीसरा पॉइंट इनका है, युवाओं को समाज से जोड़ने के लिए समाज में युवाओं की बढ़ती भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हम निम्नलिखित कदम उठाएंगे। हम युवाओं को सामाजिक सरोकार को बढ़ावा देने के लिए स्कूल, अस्पताल, झील, सार्वजनिक उद्यान आदि जैसे सामाजिक संपदाओं को अपनाकर उनका रखरखाव और स्वच्छता सुनिश्चित करने वाले स्व संगठित समूह, कुल मिला के बात यही है, स्व संगठित समूह जो भी आप अभी देखा था कि आपने जो गहलोत सरकार ने भी वो एक बात कही थी कि हम जो है एक प्रकार की ऐसी पोस्ट बना रहे हैं जिसमें जो रजिस्टर्ड बेरोजगार है उनको 3,000 रुपये समथिंग वो देंगे और वो एक काम करेगा सरकार की नीतियों का,
फैलाएगा, प्रचार प्रसार करेगा, ऐसा कुछ पोस्ट देंगे, तो उससे तो रोजगार खत्म होने वाला नहीं है, वो तो कोई काम की नहीं है। इसी प्रकार की बात यहाँ पर ये हो रही है, तो वही सेम जो बात थी वही बात रह रही है यहाँ अभी तक। तो हम युवाओं को मादक द्रव्यों के सेवन के लत हानिकारक पदार्थों से बचाने के लिए, नशा मुक्ति के लिए विशेष जागरूकता उपचार कार्यक्रम शुरू करेंगे। इसके लिए मैं 100% एग्री हूँ। ये स्टेप लिया बहुत ही गजब का स्टेप है। आई होप इसको फॉलो करे गवर्नमेंट और आगे जाकर के इसको युद्ध स्तर पर प्रयास करे, क्योंकि युवा जो है नशे के लत में काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। खास करके पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब तो थोड़े बहुत दिनों में मेक्सिको का रिकॉर्ड तोड़ने वाला है, तो ये बहुत बढ़िया चीज़ कही है। इसके लिए मैं 100% एग्री हूँ और मानता हूँ कि ये होना चाहिए। नगरीय प्रशासन में युवा, कुल मिलाकर के बात वही है, इंटर्नशिप कार्यक्रम, कार्य की दिशा, और उसके बाद खेल आ जाता है, खेल में किस प्रकार से सारी चीज़ें परिवर्तन होगी, ये सारी बातें हैं। कहीं भी कोई बात खास करके सरकारी नौकरी के लिए इस मैनिफेस्टो में नहीं है। और जो बात कही गई थी कांग्रेस मैनिफेस्टो में 22 लाख जॉब वाली, वो भी फेक थी, क्योंकि मार्च तक 22 लाख जॉब की बात मैनिफेस्टो में नहीं थी, वो सिर्फ एक न्यूज़ र्यूमर क्रिएट किया गया था। ओनली 4 लाख जॉब्स की बात कही थी, और यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ तो 1 लाख जॉब की बात नहीं कही गई है। तो अब आप डिसाइड कर लें आपको क्या करना है, अलग अलग प्रकार की चीज़ें यहाँ पर आई है। लेकिन एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि इस बातें सारी होनी चाहिए, इस मैनिफेस्टो को रिप्रेजेंट करने के जस्ट बाद जो पार्टी है उसने ये कहा है, बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी ने, कि हम मर्द हैं। मतलब ऐसा रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है मीडिया के माध्यम से, और मर्द जो होता है अपना वादा जो है पूरा करता है। अब देखने वाली बात यही होगी कि वादा रोजगार के संबंध में तो इस प्रकार का किया गया है कि इसको पूरा करें कि ना करें, कि क्या हो क्या ना हो, क्योंकि कोई स्पष्ट बात तो कही नहीं गई। ये तो नहीं कहा गया भी 2 करोड़ रोजगार दे देंगे, तो बात समझ में आती नहीं है। अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन फिलहाल अगर ओवरऑल मैं देखूँ तो रोजगार के मामले में ये मैनिफेस्टो मुझे अच्छा नहीं लगा एज कम्पेयर टू द कांग्रेस का मैनिफेस्टो जो था। हालांकि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कुछ बात अलग कही गई थी, जो राहुल गांधी ने जो बात कही थी वो बात 22 लाख नौकरियां मार्च तक देने की कही थी, जो कि मैनिफेस्टो में था ही नहीं। अब आपको डिसाइड करें आपको क्या करना है। थैंक यू।